अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक नीचे। जहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, जश्न जमहूरियत मनाने आया हूँ। नीचे करो, नीचे। आपने देखा, एक सहारा देकर मुझे बच्चा यहाँ तक लेकर आया। बीमार हुए पैरों में मेरी तकलीफ आ गई है, आपके सामने आँखों का विजन गड़बड़ा गया है। आपके सामने जो मैं खड़ा होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये हमारे कायद अजीम रहनुमा इस देश के वैसी साहब का कारनामा है। मेरे पूरे जिस्म में खून नहीं बल्कि उनका एहसान दौड़ रहा है। मेरे एक जुमले पर उन्होंने यहाँ बुलाया मुझे हैदराबाद। अल्लाह बगैर कुछ कहे, इसलिए कि जो वक्त इन्होंने मुझे दिया है, फरशोरी साहब ने, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इतनी देर में तो मैं लुबान ही जलाता हूँ बस। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, जो काम की बात होगी वही कर दूंगा बस। अस्कराओं के अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। लवेदियों की राहत इंदौरी को शायद ऐसे ही पढ़ना चाहिए, लवेदियों की हवा में उछालते रहना, लवेदियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, लवेदियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के समाई में फैल जाऊंगा, तुम आफ्ताब में कीड़े निकालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में, सुभान अल्लाह, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफ्ताब में कीड़े निकाल के निकालते रहना, घरों के धसते हुए, गौर से सुने, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये जितने लोग हैं सब गिरा में बांध ले, अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात तो बताना कि हम बता रहे हैं, राहत ने बता दिया है, बता। घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, ये है डॉक्यूमेंट, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी, सुभान अल्लाह, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं,
منظر نے بتایا کہ یہاں پر دو تین لاکھ کا مجمع ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو, میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں, لیکن اگر میں دیکھ پاؤں تو میں خدا کی قسم یہاں سے چاند اور سورج نکل آئے میری آنکھوں سے. تھا اسی محفل ان شاء اللہ میں سناتا ہوں کہ آپ سب ہیں, جتنے بھی ہیں سب کے لیے میرا کہ ساتھ چلنا ہے. یہ جو بچے آئے ہیں جامعہ سے, لڑکیاں آئی ہیں, بیٹیاں آئی ہیں, ان سب کو شریک کرتا ہوں. ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح, ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح. مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے. ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح, مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی. اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا, ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا, ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. چار مصرے اور سن لیجئے. پچھلے دنوں فیض کی نظم کے معنی تبدیل کر دیے, پورے ہندوستان کے ہی معنی تبدیل کی جا رہے ہیں. اردو زبان کے شاعر پر بھی یہ شمگاج گری. میں یہ ریت میری حیثیت نہیں کہ میں فیض کی دفاع میں کچھ کہہ رہا ہوں, بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی زبان میں اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف لکھ رہا ہے تو یہ میری تائید ہے اس کے لیے. اور میرے یہ چار مصرے ہیں, خاص طور پر اس حد جلسے میں سنانا چاہتا ہوں. میرے پیچھے میں بہت ہی معززین ہیں, ویسی صاحب ذرا سی گزارش ہے. شک کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر, دکھا اپنا ہنر, کیا لے گا کیا لے گا کیا لے گا. اٹھا شمشیر, دکھا اپنا ہنر, کیا لے گا. یہ رہی جان, یہ گردن ہے, یہ سر, کیا لے گا. شکریہ. دکھا شمشیر, دکھا اپنا ہنر, کیا لے گا. یہ رہی جان, یہ گردن ہے, یہ سر, کیا لے گا. صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخ کے تیرے. صرف ایک شیر. یہ رہی جان, یہ گردن ہے, یہ سر, کیا لے گا. صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخ کے تیرے. تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے, کر کے لے گا. ایک شیر اڑا دے گا پرخ کے تیرے. تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے. ایک میں عام طور پر سرسور صاحب میں جانتے بھی ہیں, آپ بھی زیادہ تر جانتے ہیں کہ میں عام طور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹل جائے, لیکن آج عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ میں اندور سے چلا ہوں, جب سے لگا کے کم سے کم درجن بھر فون میرے پاس آئے کہ راحت بھائی ہم پوسٹ سننے کے لیے آج کے جلسے میں آئیں گے, غزل خاص طور. تو میں اتنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا, یہ لاکھوں لوگ بھی سننا چاہتے ہیں. یہ ڈیڑھ منٹ میں انشاءاللہ غزل ختم ہو جائے گی. مجھے وقت دے دیجیے خدا کے. اگر خلاف ہیں سبحان اللہ ہونے دو, جان تھوڑی ہے, جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ادھر بھی حیدرآبادی آ جائے تو مزہ آ جائے. میں سامنے کے اس کے بھروسے چل رہا ہوں.
जान थोड़ी है ये सब, धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है ये सब, धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के सद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के सद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के सद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं जरा सा बारीक शेर है, लेकिन मैं ये भी मुझे एहसास है कि मैं हैदराबाद में खड़ा हूं तो मेरा शेर ज़ाया नहीं होगा। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, सुभान अल्लाह, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान। एक एक फरशोदी साहब जरा सा मुझे इजाजत देते कि एक कुछ सेकंड के लिए एक बात ही कह दूं कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही जबरदस्त चला, एक ऑडियो वीडियो तकरीर एक साहब कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन साहब है, यहाँ तो जितने भी ये साहब ही होते हैं। तो वो साहब कह रहे थे कि उर्दू का एक शायर है राहत इंदौरी जो जिहादी, तो मैं हैरत में पड़ गया कि खैर मैं, मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया, बहुत परेशान रहा, तड़प करवटे लेता रहा, सारी शब गुजार दी सोचते सोचते कि हूं कि नहीं। और साहब सुबह फजर की अजान हो गई, फजर की अजान हुई तो मैंने अल्लाह से लो लगाई कि अल्लाह तू ही, मैं जोर से बोलूंगा जब तो आवाज आएगी, कहा धीरे बोल रहा हूँ ना, तो आप जरा से सुन ले, आपने आपके काम की बात जाया नहीं होने दूंगा, आप इंतजार रखे। मैंने कहा अल्लाह तू ही कोई रोशनी दे मुझे, कोई इशारा कर कि मैं जिहादी हूं कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझे बता रही है कि नहीं तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार कुछ तुम हो अलग। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि अगर अलग हूं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने साहब दो लाइनें लिखी, 3 लाख लोगों की तरफ से पढ़ रहा हूं ये शेर संपत भाई की मौजूदगी में। अगर यहां ये मंजर ने कहा कि मेरे सामने लाखों लोग हैं, तो इन लाखों लोगों की तरफ से राहत इंदौरी भी शरीक होकर आप सबके लिए ये शेर पढ़ रहा हूं। हर शख्स के दिल में यही है जो मैं कह रहा हूं। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो वहीं आ जाऊंगा, हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। संपत भाई शेर सुनिएगा, कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं, आवाज आ रही ना, मैंने बोला था जब आपके काम की बात शुरू, बेशक उनके दिल तक पहुंच रही है आवाज, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी इसमें कौन सी बात कहती है, वो बेचारा कह रहा था कि वो ऐसा कहता है,
यादी हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, तो शेर और पढ़ना है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। कहा जाता है इंशाअल्लाह जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है। ये असलम भाई की तरह एक जलसा हो रहा था, असलम भाई की तरह हिंदी के एक बड़े राइटर अशोक चक्रधर वो निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, जिस तरीके से असलम भाई कर रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि जो आज साहिब मसनद है, तो मैंने कहा यार ये साहिब मसनद हिंदी वाले शायद ना समझ पाए, तो मैंने कहा कि अशोक भाई जरा ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहेंगे जरा ये बता दीजिए। तो उन्होंने एक परेशानी पर एक उंगली फेरी और कहा कि इसे कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा रेंडी जी फिर साहिब मसनद ही ठीक है। तो कहता हूं कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़े। कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। आखिरी शेर पढ़ता हूं, अफसोस के मीडिया ने अखबारात ने को भी जरिया इन्हें मिला इस शेर को बना दिया कि ये बता दिया कि ये किसी मुसलमान का शेर है, या किसी ने लिख दिया कि किसी हिंदू का शेर है। ये मुझे इसका दुख है, इसका अफसोस है, ना तो ये हिंदू का शेर है ना ये मुसलमान का शेर है, ये हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी किसी भी धर्म का किसी भी जात का हो, अगर वह हिंदुस्तानी है तो मेरा ये शेर उसका इसकी आवाज है, उसका शेर है। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी, किराएदार हैं जाती, ये देखो ये वाली आवाज नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन फिर बोलो किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान।